YouTube फैमिली वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो उम्मीद करते बढ़िया होंगे आप लोग फ्रेंड्स, और हम आप लोगों का आशीर्वाद से खुश से मस्त है और स्वस्थ है। तो आप लोग हमेशा ऐसा आशीर्वाद देते रहो और हमें सपोर्ट करते रहो फ्रेंड ढेर सारा, और मुझे सपोर्ट करो, मेरे होने वाले बच्चों को सपोर्ट करो फ्रेंड, और हमारे रोहित जी को। तो फ्रेंड्स अभी हम शाम का टाइम बैठे हैं द्वारे के सामने, क्योंकि लाइट कट गया था ना फ्रेंड, तो इतना गर्मी लग रहा था अंदर, तो इसलिए हम गेट के बाहर बैठे थे। तो अभी लाइट आ गया तो हम रोहित जी का इंतजार कर रहे, रोहित जी को अभी छुट्टी हुआ है तो हम फ़ोन कर उनको बुलाए हैं। तो आ रहे क्या लेकर आ रहे वो तो आप लोगों को पता चलेगा, और कल मंगलवार है तो कल हम देखेंगे बाजार जाएंगे, फल लाएंगे या वरना सब्जी उब्जी लाएंगे, दोनों में से एक चीज़ करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बने रहना ब्लॉक के अंदर, और मेरा घर का काम सब हो गया, देख सकते हैं पानी भर आ गया और अंधेरा मेरा घर, तो अभी लाइट जलाएंगे क्योंकि पंखा चल रहा है अंदर, और बकरी बकरा है अपना तरह बकरी है। फ्रेंड अंदर जाते और कुछ इस तरह हालत हो गया, तो लाइट जला दिए तो मेरा देख सकते हैं ये दूध फट गया था, तो इसको हम पनीर टाइप का कर दिया फ्रेंड, इसको हम हटा दिए पूरा ये करके, तो इसको हम सब्जी बनाएंगे शाम में, मतलब थोड़ा देरी में। और यहाँ पर चूल्हा ना पूरा साफ है, उधर पूरा सामान सब है इससे कुछ, और मेरा टोकरी खाली है फ्रेंड, सिर्फ एक काम है चावल है, और उधर पानी वगैरह है, खिड़की खुला है और कुछ नहीं फ्रेंड, कुछ इस तरह का रहा फ्रेंड। तो चलो फटाफट रोहित जी को आने दीजिए और आते हैं तो फिर मिलेंगे रोहित जी से। आप लोग बने रहो ब्लॉग के अंदर, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड। तो रोहित जी आ गए और ये जा रहे हैं फिर हाथ धोने पानी लेकर के, और हम लाने वाले थे जो लेकर, मेरे को खाने का मन करता आइसक्रीम ठंडा ठंडा, तो ये रहा आइसक्रीम लेकर के आए हैं, और इसके अंदर में है चाट, तो चाट को बनाना पड़ेगा, गोटा गोटा पापड़ी है और इसमें घुघनी है, तो इसको बनाएंगे। रोहित जी को आने दीजिए हाथ धो कर के, फिर आप लोगों को बोल। देख सकते हैं कितना बड़ा सा मछली है, मेरे घर का पीछे एक तालाब था, कचड़ा पानी है ना, तो उसी के अंदर से मछली निकला, इतना बड़ा, ये मछली का नाम है मागुर मछली। तो देख सकते हैं इतना बड़ा सा मछली। जी हम काम करा रहे हो दो लोटा, और वहाँ से पानी पीने का लेकर काच, तो ठंडा पानी नहीं है गर्म पानी है, ले कर जाना बर्फ, फिर पीने तो सकता है नहीं ये पानी है ना, बेकार का पैसा खर्चा होता है इसलिए। तो चलो चाट निकाले जल्दी से, कौन आइसक्रीम, हाँ बहुत टेस्टी दिख रहा है गो। समोसा और पापड़ी का चाट बन रहा है, इधर रोहित जी का, इधर मेरा बन रहा, तो रोहित जी का बोल के अच्छा से यह कर दो, छाड़ दो ना गो, तोड़ दो, और इसके अंदर में घुगनी है टेस्टी टेस्टी, ये मम्मी जहाँ से हम लोग बचपन से खाते ना वही ठेला से लेकर खाए फ्रेंड्स, पहले हम बहुत खाते थे चाट भैया यहाँ से लेकर खाए फ्रेंड्स, और अभी भी खाते हैं। और एक जगह यहाँ पर हम लोग घर के सामने में, मतलब थोड़ा सा दूर है मार्केट, वो सामने में बेचते हैं, तो सामने से लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स दादा टेस्टी टेस्टी बनने दीजिए, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि रोहित जी पूरा मिक्स कर रहे हैं पूरा अच्छे से, और यहाँ पे मेरा पूरा चाट भोग नहीं गया, तो चलो उसको मिक्स करते हैं और उसको टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। चलो तुम भी टेस्ट कर बता जी कल से बनाए, ओ भैया के यहाँ अच्छा लगता है कि नहीं चाट खाने में, अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड बहुत टेस्टी बना है बोल रहे, तो चलो खाते हैं। तो अभी हम खाने जा रहे हैं चाट, क्या आप लोगों को पसंद है चाट तो कमेंट कर बताइए, कहाँ कहाँ चाट मिलता है वो भी बताइए अपन, क्योंकि कल के जगह में चाट नहीं मिलता है, कुछ के जगह में चाट मिलता है ना वो। कितना दिन का बाल खा पाना ज़्यादा चाट पता है, पर हम जब छोटे छोटे थे ना तो मैं मम्मी और हम बहुत खा लेते चाट वही जगह में जा करके, भाई भैया यहाँ से चाट लेकर आए, तो रही थी अपना खा रहे। तो फ्रेंड्स खा ले तो फटाफट उसके बाद दूध लेने जाएंगे हम, तो जो दूध फट गया तो उसका क्या बनाएंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स। उसका सोच रहे कि पनीर टाइप का सब्जी कुछ बना लेंगे या भुजिया टाइप का कुछ बना लेंगे, अंडा भुजिया टाइप का ना, हाँ तो चलो बना लेते हैं। हम खा पी लिए और उसके बाद अभी हम और रोहित जी निकल रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है, तो फिर थोड़ा देर के बाद दुकान बंद जाए ना फ्रेंड्स, तो दूध लेके खाते फिर सब्जी बनाएंगे, और माड़ भात है बासी वाला खाना, तो उसलिए खाना तो बनाना नहीं है ना, वही खाना खाना है हाँ, वही तो। चलो फ्रेंड्स बगल से सोन आ रहा गाना का, रोने का भी आवाज आ रहा है, देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है इस तरफ, और कितना डर भी लगता है फ्रेंड्स, इसलिए हम ना घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कल रात में देखते इतना अंधेरा लग रहा है, तो रोहित जा के जा रहे तो हम पीछे पीछे जा रहे, लेकिन पहले हम आ गए,
तक के रोड का किनारे निकल चुके हैं घर से और अभी हम जाते हैं दूध लेने फटाफट। जब निकलने जा रहे दूध तो सिर्फ दूध लेंगे फ्रेंड और कुछ भी नहीं लेंगे, तो चलो फटाफट दूध ले लेते हैं। आप पैसे दो? हाँ नहीं यार, तुम पीना तो ले लो, हम भी नहीं पियेंगे ठंडा, हमको भी तो जब पैसा कटा पड़ा। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, मेरे पास ज़्यादा सा कोल्ड ड्रिंक। फ्रेंड्स रोड को उस पर जाकर मेडिकल शॉप जा रहे हैं क्योंकि रोहित जी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, उसका तबीयत खराब खराब लग रहा था, तो इसलिए हम बोले कि दो मेडिसिन लिए लो क्योंकि फ्रेंड जानते इतना मेहनत काम करते ना, तो इसलिए। फ्रेंड्स रोहित का मेडिसिन लेने के बाद फिर हम आगे थे जहाँ से हमेशा हम राशन वासन उठाते हैं ना, वहाँ पर आ गए थे, तो वहाँ से हम सामान लेने के लिए खड़े थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फिर हम बोला कि ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा अजीब से लगता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि कोई जानता नहीं ब्लॉग के बारे में, तो इसलिए तो हम यहाँ से अभी ले रहे हैं होलिक्स बेकर। अभी तुरंत बाज़ार से आए मतलब दुकानदार से, तो वहाँ पर ना दुकान जो राशन दुकान है ना वहाँ पर मतलब पूछे कि मदर होलिक्स के बारे में, तो वो बोले कि आधा घंटा के बाद ही मिलेगा बोले करके। तो फ्रेंड्स आधा घंटा तो इतना देर नहीं रुक सकते ना, इसलिए हम घर आ गए क्योंकि हमको सब्जी भी बनाना था रोटी भी बनाना था, तो इसलिए हम आ गए। लेकिन बट लाइट कट गया और देख रहे हैं आप लोगों को पीला पीला पूरा चेहरा, तो कब तक आ गया लाइट पता नहीं। आज ना बहुत नौटंकी करा लाइट का नौटंकी, और अपन और पता है हम लोग घर के पीछे तरफ तालाब था ना, वो तालाब में इतना बड़ा सा मगुर मछली मिला फ्रेंड, इतना बड़ा, बाप रे बाप। तो चलो फ्रेंड्स आप लोग बने रहो ब्लॉग के अंदर, और क्या क्या बनाएंगे वो सब आप लोग हम बताएंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग के अंदर में बने रहो और कैसे बना रहे हो वो सब हम आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड। तो ज़्यादा कुछ तो मिलाएंगे ना फ्रेंड, जितना हो पाएगा उतना कुछ देंगे, तो आप लोग बने रहो। नहीं तो मेरा बन गया, रोटी भी बन गया और सब्जी भी बन गया, जो दूध फट गया था ना उसको छेना को पनीर टाइप का बनाया फ्रेंड, और बनाते बनाते जानते पसीना पसीना हो गया। और अभी इतना टाइम हो गया, रोहित जी अभी तक आया नहीं, उसका फ्रेंड का घर गया अभी तक आया नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा, तो मेरे को डर लग रहा फ्रेंड कि पता है आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड, फ़ोन क्या कर देता है ना उस लिए। लेकिन देख सकते फ्रेंड अभी इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं है, देख रहे तो इसलिए हमको डर लग रहा, पता नहीं क्यों ऐसे हम इतना जोर से गुस्सा भी आ रहा है हमको, पता है कि नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ ऊपर से रखे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा पनीर टिप्पा जो बनाए हैं छेना को, देखिए अब ये खा कर पता चलेगा कि किस टाइप का बना फ्रेंड, तो रोहित जी का वेट करवाएंगे तो फिर खाएंगे। मैं है रोटी गरम गरम, तो यह रहा गरम गरम रोटी, और मैं है दूध गरम किया, और यार कढ़ाई में हम रोटी सेंक रहे थे पता है मेरा हाथ जल गया फ्रेंड, दो तीन जगह ना जल गए इसके वजह से और इसके वजह से फ्रेंड, क्या बोलिएगा। तो फैमिली तब लोग हम दिखा दिए, बन चुका मैं रोटी भी और सब्जी भी बन गया, और यहाँ पर हम बिस्तर भी लगा लिए फ्रेंड, तो अभी हम सो रहे हैं क्योंकि रोहित जी जब तक आएंगे नहीं तब तक हम उनके बिना खाना नहीं खाएंगे फ्रेंड, क्योंकि रात में उनके साथ खाने में अच्छा लगता है।